एक छोटा टेक्सटाइल बिजनेस चलाने वाला जिसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट वाइन एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी बना देगी। तुलसी तंत्र एक छोटी सी टेक्सटाइल बिजनेस चलाने वाला जिसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हाई होने की वजह से बिजनेस पर मुनाफा नहीं हो रहा था, वही से तुलसी तंत्र के दिमाग में एक यूनिक आइडिया ट्रिगर हुआ और उन्होंने कुछ ही साल बाद दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट वाइन एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी बना दिया। लेकिन वो इस दुनिया से जाने से पहले उसी फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी को डूबने की कगार पर छोड़कर जाना पड़ा। उस कंपनी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट पोजीशन से डूबने की कगार तक आने की नौबत आ चुकी। आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। गुजरात में जन्म हुए तुलसी तंती कॉमर्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के बाद 1992 में एक छोटी सी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होने की वजह से उनको बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा था। तंती अपने पॉलिएस्टर यार्न्स की बिजनेस में तो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन इंडिया की अस्थिर पावर ग्रिड और राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उनकी प्रॉफिट को खा जा रहा था। इस बिजनेस में उनको रॉ मटेरियल्स के बाद सबसे ज्यादा कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी पर ही आ रहा था। जब उन्होंने इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू किया तो उनको एक ऑप्शन मिला, वाइंड पावर। पर इसमें भी दिक्कत यह थी कि वाइंड पावर जनरेट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा लगता था और इंडिया में ऐसी कोई कंपनी भी नहीं थी जो वाइंड पावर सप्लाई करती हो। दो स्मॉल कैपेसिटी वाइंड टर्बाइन जनरेटर्स के लिए तुलसी तंत्री के टेक्सटाइल बिजनेस की जितना वैल्यूएशन थी उससे भी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए था। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठाने की ठान लिया और दो स्मॉल कैपेसिटी वाइंड टर्बाइन जनरेटर्स ऑब्टेन किया। यही से तुलसी तंत्री को रियलाइज हुआ कि उन्होंने ना चाहते हुए भी एक यूनिक बिजनेस मॉडल को क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गया है। फिर उनके गुजराती दिमाग जाग उठी और उनके मन में एक सवाल सरने लगा कि इसी कॉन्सेप्ट को एक लार्ज स्केल पर क्यों नहीं किया जाए। तुलसी तंत्री की इसी सवाल से शुरू हुई इंडिया की फर्स्ट वाइन टेक्नोलॉजी कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। 1995 में तुलसी तंत्री ने अपनी फैमिली की कुछ प्रॉपर्टीज बेच दिया और 6 लाख डॉलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ अपने ब्रदर्स को साथ लेकर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की शुरुआत की। सुजलॉन अपने कस्टमर्स के लिए सब कुछ करके देता था, क्योंकि इंडिया में किसी भी कस्टमर्स को वाइन टेक्नोलॉजी या तो वाइन एनर्जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसे इंस्टॉल करने के लिए भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा लगता था, जो किसी भी कस्टमर्स के लिए अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए सुजलॉन अपने क्लाइंट्स के लिए साइट आइडेंटिफाई करने से लेकर वाइन मैनेजमेंट स्टडी कंडक्ट करना, बजटिंग, सबस्टेशंस बनाना, ग्रिड कनेक्शंस और 20 इयर्स तक ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सुजलॉन खुद लेता था। इतना बड़ा कैपिटल को अरेंज करने के लिए सुजलॉन ने एक इनोवेटिव अप्रोच अपनाया, जिससे 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स को लाना पड़ता था और बाकी 75% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सुजलॉन अरेंज करता था। इसी अप्रोच को अपनाकर 1999 तक सुजलॉन ने इंडिया में मार्केट लीडरशिप हासिल कर लिया था। इंडिया में 3000 मेगावाट वाइन टर्बाइन कैपेसिटी इंस्टॉल करके 50% मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया था। इट मींस इंडिया में अगर टोटल 6000 मेगावाट वाइन एनर्जी कंज्यूम होता था तो उसमें से 3000 मेगावाट सिर्फ सुजलॉन का होता था। 2005 में सुजलॉन अपनी आईपीओ लेकर आते हैं जो 15 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो जाती है। तुलसी तंत्री को अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिजनेस से इतना तो पता चल गया था कि वाइंड एनर्जी एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है और उन्हें यह भी पता चल गया था कि जैसे कि इस बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा लगता था तो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए सुजलॉन को ग्लोबली एक्सपांड करना पड़ेगा और तुलसी तंत्री यही से शुरू करते है सुजलॉन की ग्लोबल जर्नी। सुजलॉन की पहली एक्सपेंशन US में हुआ। ये दुनिया की पहली वाइन पावर सेल्स में से थी जो किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री से किसी डेवलप्ड कंट्री में किया गया था। इसके बाद सुजलॉन को यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में भी सक्सेस मिला। 2008 तक सुजलॉन की 70% रेवेन्यू इंटरनेशनल सेल्स से आती थी। सुजलॉन ये समझ चुकी थी कि इस फील्ड में हीरो बनने के लिए
जितना ज्यादा हो सके कंपोनेंट्स खुद से बनाकर सप्लाई और क्वालिटी को एंश्योर करके प्राइस को लो रखना पड़ेगा। लेकिन इतने सारे कंपोनेंट्स खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना इतनी आसान भी नहीं थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्विट्जरलैंड ने ग्लोबल मार्केट से भर भर कर लोन उठाया और वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज को एक्वायर करने के साथ साथ वर्ल्ड की बेस्ट टैलेंट को भी हायर करना शुरू किया। स्विट्जरलैंड की इसी मास्टर स्ट्रोक की वजह से इसे दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी की खिताब दिला दिया। स्विट्जरलैंड की इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। इंडिया में इसने एक स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग बैकबोन एस्टैब्लिश किया था, उसने इसे बहुत ज्यादा फायदा दिलाया। इन्हीं सब स्ट्रेटेजी ने स्विट्जरलैंड को हाई ग्रोथ और हाई मार्जिन भी दिलाया। लेकिन तुलसी तंत्री को वर्ल्ड पोजीशन को सस्टेन करने से ज्यादा हाई मार्जिन और हाई ग्रोथ को सस्टेन करना इम्पोर्टेंट लगने लगा। एनुअली 20-25% तक ग्रोथ रेट को एंश्योर करना तुलसी तंत्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। जैसे कि स्विट्जरलैंड अब वर्ल्ड की बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट कर रही थी, हर एक कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करना और क्रॉस कल्चरल इंटीग्रेशन भी स्विट्जरलैंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका। इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद 2008 तक स्विट्जरलैंड के ऊपर प्रॉब्लम्स की पहाड़ गिरने लगा था, क्योंकि स्विट्जरलैंड की बनाई हुई बहुत सारे वाइन मिल ब्लेड स्प्लिट होने की कंप्लेंट आने लगी थी। स्विट्जरलैंड को इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ। इसने अल्टीमेटली स्विट्जरलैंड की यूरोप और यूएस की बिजनेस को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट किया। 2009 तक स्विट्जरलैंड डीप डेप्ट ग्रिप पर फंस चुकी थी। स्विट्जरलैंड के ऊपर डेप्ट की पहाड़ बन चुकी थी। ऑर्डर बुक में डिक्रीज होने लगी थी, रिसीवेबल्स और इन्वेंटरी भी खत्म होने लगी थी। इतना बड़ा क्राइसिस में फंसने से पहले स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़ा कैश टूटी हुई ब्लेड को रिपेयर करने में चला गया था। इसके बाद से स्विट्जरलैंड शेयर होल्डर्स को रिपेमेंट और लोन रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट करने लगी थी। इस डीप डेब्ट से बाहर निकलने के लिए स्विट्जरलैंड ने एक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके आया। इसी प्लान के हिसाब से स्विट्जरलैंड अपनी कुछ सब्सिडियरी की स्टेक सेल करना और एसेट सेल करके डेब्ट रिपेमेंट करना शुरू किया। कंपनी ने वेरियस डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन के थ्रू 2024 तक 12,000 करोड़ की डेब्ट को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन कंपनी की इतना बड़ा बाउंस बैक देखने की पहले ही इंडिया की वाइनमैन और स्विट्जरलैंड की फाउंडर तुलसी तंती 1 अक्टूबर 2022 को इस दुनिया से चले गई। आपके पास स्विट्जरलैंड की शेयर है कि नहीं कमेंट पर लिखना मत भूलना। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट पर बताना। कीप वॉचिंग, स्टे लर्निंग। थैंक यू।